सीतापुर कोतवाली देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। हम आपको बता दें, SOG एवं थाना कोतवाली देहात की संयुक्त टीम द्वारा कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पगरोई नहर बाग के पास पुलिस मुठभेड़ में इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल सीतापुर में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सातिर्योम अभ्यस्त किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध नकाबजनी जैसे जनपद के कई थानों में अभियोग पंजीकृत हैं। इस पूरे मामले में सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने क्या कुछ बताया, आप लोग भी सुने। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ये हाईवे के निकट आज पुलिस की तथा एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश की मुठभेड़ हुई है। पुलिस के द्वारा यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी। रात के समय में इस क्षेत्र में काफ़ी सारी नकबजनी व चोरी घटनाएं हो रही थी। उसी के क्रम में अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें इसको जब रुकने के लिए कहा गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। फायर की जवाबी या फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई तो उसमें इसके पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए इस अपराधी को अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। मौके से एक बाइक जो चोरी की प्रतीत हो रही है तथा साथ में अवैध असलाह एक और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दो खोखे बरामद हुए हैं। इस अपराधी का नाम उदय राज है। ये थाना तंबौर का रहने वाला है तथा नकबजनी के मामले में ये वांटेड चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित था। इसके अन्य साथियों की बारे में इससे पूछताछ की जा रही है। मौके पर कॉम्बिंग की जा रही है। SOG की टीम तथा थाना कोतवाली देहात के द्वारा इसमें आगे विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। धन्यवाद।